ऐसे दो मुख्यमंत्री जिनका ये आखिरी चुनाव हो सकता है, नहीं आखिरी चुनाव है। तो हम सबसे पहले एक बात करेंगे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल रिस्पेक्टेड नवीन पटनायक जी। ठीक है, तो नवीन पटनायक जी एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है कि जो 24 साल से उड़ीसा में राज कर रहे, 24 साल से उड़ीसा में सरकार चला रहे। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि ही इज द ओनली प्राइम ओनली चीफ मिनिस्टर इन इंडिया जिनको अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी 24 साल से लोग उन्हें चुन के दे रहे। बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज, जो भी अच्छी खासी उन्होंने पॉलिसीज बनाई होगी, वो पॉलिसी के भरोसे, जो भी उन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो वहाँ पे आते हैं उसके डिजास्टर मैनेजमेंट में काम किया हो उसके लिए, या फिर ओडिया लोगों के लिए काम किया हो, तो उसके वजह से 24 साल से लोग उन्हें चुन के दे रहे। बट मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आखिरी चुनाव उनका हो सकता है, कि जैसा कि हमें पता है कि 2009 से पहले बीजेपी और बीजेडी, बीजू जनता दल, इनकी अलायंस हुआ करती थी। तो 2009 में अलायंस टूटने की घोषणा खुद बीजेडी ने की। कुछ भी रीजंस रहे होंगे उसके पीछे, बट अभी अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बीजेडी मतलब बीजू पटनायक और नरेंद्र मोदी जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहते हैं कि हमसे हमारी फिर से अलायंस हो जाए। जो अलायंस 2009 में टूटी थी वही अलायंस दोबारा करने की उनकी कोशिश है। बट जैसे कि ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट्स कह रहे थे, या फिर अलग अलग डेटा एजेंसियों का डेटा, जो सर्वे एजेंसीज होती है, मार्केट रिसर्च कंपनीज होती है, तो उनका डेटा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के पास आ रहा था, वो उन्हें बता रहा था कि बीजेपी की सरकार वहाँ पे बन सकती है, बीजेपी का परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा हो सकता है। पिछले लोकसभा में बीजेपी को वहाँ पे 8 लोकसभा सीट्स मिली थी, तो यहाँ पे कम से कम बीजेपी 10 पार कर सकती है अपने आप पे। और दूसरा खतरा ये भी था कि अगर बीजेपी और बीजेडी दोनों पार्टीज अगर एक हो जाती, जो एंटी बीजेडी वोट है, या फिर पूरी अपोजिशन की जो स्पेस है वो कांग्रेस अपने पास ले लेती, तो वो भी धोखा था। तो उसके वजह से बीजेपी और बीजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, अगर आप इलेक्शन को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक अधिकारी है जो आला अधिकारी है, उनका नाम है AK पांडेन। AK पांडेन जो सेक्रेटरी थे वहाँ के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो नाउ ही इज द फेस ऑफ द बीजेडी पार्टी एंड बीजेडी गवर्नमेंट एज वेल। मतलब ओडिशा गवर्नमेंट के फेस पांडेन ही है, बीजेपी पार्टी भी वही चला रहे। आपने शायद ही किसी इंटरव्यू में बीजू पटनायक को देखा होगा इंटरव्यू देते वक्त, उनके स्वास्थ्य के कारण की वजह से। तो सबसे पहली बात उनका स्वास्थ्य का कारण है। अभी उनको दो लोग उठाने में लगते हैं और दो लोग नीचे बैठाने में लगते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से इस बार नवीन पटनायक का जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों के बीच जाकर प्रचार करना इसके लिए अभी उनका शरीर असमर्थ है। ठीक है, तो AK पांडेन बाहरी 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 का नारा लगता है, और ऊपर से मोदी जी की जो पॉपुलैरिटीज लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में, उसकी वजह से उड़ीसा के लोग भी अभी बीजेपी को ऑप्शन की तरह देखना शुरू कर चुके हैं। लेकिन बीजू पटनायक के बारे में आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कि बीजू पटनायक ने कभी फैमिली पॉलिटिक्स नहीं की, कभी नेपोटिज्म नहीं किया, कभी उन्होंने अपने पार्टी में भी सेकंड नंबर के लीडर को खड़ा नहीं रहने दिया। एक तो बाहर निकाल दिया या फिर कट टू साइज कर दिया, ठीक है, बट कभी अपने बच्चे को या फिर किसी फैमिली मेंबर को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। तो ये बहुत बड़ी चांसेस है कि हाँ, इस बार बीजेपी की वहाँ पे असेंबली में भी सरकार बन जाए और लोकसभा में भी बीजेपी वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे। अब अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरे नेता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार। अभी नीतीश कुमार भी एक ऐसे नेता है जिनको फैमिली पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकले। बीजू पटनायक के पिताजी, नवीन पटनायक के पिताजी बीजू पटनायक तो भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब उन्होंने तब तक अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में नहीं लाया जब तक वो पॉलिटिक्स में थे। नवीन पटनायक तभी पॉलिटिक्स में आया जब बीजू पटनायक कैलाशवासी मतलब स्वर्ग में जा चुके थे, या फिर उनके एक्सपायर हो चुके थे, तभी नवीन पटनायक पॉलिटिक्स में आया और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बने। वैसे ही नीतीश कुमार को आप पलटू राम बोलिए, कुमार को आप पलटू चाचा बोले, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों, कि नीतीश कुमार ने अपने पॉलिटिक्स में अपने बेटे को कभी प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी भी अपने किसी भी फैमिली मेंबर को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की इसकी वजह से। और अब तक अभी जो उनका स्वास्थ्य या मानसिक हालत चल रही है, अभी आपने देखा होगा रैली में बोल रहे थे कि बीजेपी की इस बार 4,000 सीटें आएंगी। तो दोस्तों सही है, उम्र के साथ साथ ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो 2025 में जो चुनाव होने वाला है बिहार असेंबली का, शायद ही नीतीश कुमार जी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे।
या फिर एक चीज ये भी है कि वहां पे जो दो पार्टी अपोजिशन में है, मतलब अपोजिशन का अभी बीजेपी तो साथ ही है, लेकिन दो जो दो पार्टीज है लाइक आरजेडी एंड बीजेपी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी, मतलब बीजेपी सेकेंडरी जाए और आरजेडी फ्रंट, आरजेडी सामने जाए। तो आरजेडी और बीजेपी हमेशा चाहेगी कि आरजेडी और बीजेपी के बीच में सीधी फाइट हो जाए। जेडीयू एक तो दोस्तों फूटेगी, और जब भी जेडीयू फूटेगी एक तो आधी जेडीयू बीजेपी में जाएगी, आधी जेडीयू जेडीयू आरजेडी में जाएगी, तो वहां पे भी चांसेस बहुत कम है। तो एक नीतीश कुमार ऐसे दूसरे नेता है जिनकी पॉलिटिक्स इस चुनाव के बाद खत्म, मतलब खत्म ही होने वाली है, क्योंकि पास उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उन्होंने सपना देखा कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। चलो प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, उनका प्राइम मिनिस्टर का सपना बार बार हर 5 साल बाद उनका प्राइम मिनिस्टर का सपना उनके बीच में आ जाता है, इसलिए इधर से उधर वो जंप करने लगते हैं। बट अगर हम देखें कि उन्होंने इंडी गठबंधन जो आज हम करते हैं, जिसे घमंडिया गठबंधन भी बीजेपी के लोग कहते हैं, तो उन्होंने हर हर पार्टी के लोगों को एक जगह लाने की कोशिश की पटना में, वहां से शुरुआत की, लेकिन उनका सपना जब टूटा, जब बैंगलोर में उनका नाम भी किसी ने नहीं लिया, संयोजक भी किसी ने नहीं चुना, तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि भाई जिस पेड़ को मैंने लगाया है उस पेड़ के फल तो मुझे खाने को मिलने वाले नहीं है। तो इससे अच्छा है कि चीफ मिनिस्टर भी ना रहे और फिर प्रधानमंत्री भी ना बने, तो इससे अच्छा है कि बीजेपी के साथ जाके चीफ मिनिस्टर तो रह ही जाएंगे, अच्छा खासा सम्मान भी मिलेगा, और पिछले 20 साल से 25 साल से उनके साथ रह चुके हैं, तो नेचुरल अलायंस है, लोगों के बीच में एक मैसेज भी जाता है कि नहीं, जब भी आरजेडी के साथ जाते हैं तो करप्शन, माफिया राज, गुंडा राज, जंगल राज, इन सारी चीज़ों की बातें होने लगती है। तो हमें ये भी समझ में आता है कि नीतीश कुमार जी ना, उनका भी वारिस है पार्टी का कोई, तो उनकी भी पार्टी विलय होने के, एक तो विलय हो जाएगी या फिर दो हिस्सों में टूट जाएगी, एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा जाएगा बीजेपी में और दूसरा हिस्सा जाएगा आरजेडी में। तो ये दोनों दो मुख्यमंत्री है दोस्तों जिनकी पॉलिटिक्स ये 2024 के चुनाव के बाद मतलब खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि ना उनका कोई वारिस है जिन्होंने उन्हें वारिस चुना है, ना उन्होंने कोई सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार की है। तो दोस्तों ये बात याद रखना, और आई होप आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।